दोस्तों भारत में कुछ ऐसी डरावनी जगह भी है जो कभी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और संस्कृति के लिए जानी जाती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन जगहों को सांप लग गया और यहाँ इंसानों की जगह भूतों ने अपना हड्डा बना लिया। अब आलम यही है कि यहाँ लोग दिन के उजाले में भी आने से डरते हैं। किसी गाँव में वहाँ रहने वालों ने ही सांप दे डाला तो कहीं विचित्र घटनाओं की वजह से वे जगह डरावनी हो गई और इस गाँव में आत्माओं ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोग गाँव छोड़कर भाग गए। और आखिर में इस गांव में ऐसा क्या हुआ कि लोग आज तक त्योहार नहीं मनाते, क्या है रहस्य, जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 10, जतिंगा। दोस्तों जतिंगा असम के गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस जगह पर हर साल सितंबर से नवंबर महीने तक सुर्खियों में रहती है। इसका कारण यही है, पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या। सबसे अजीब बात तो यह है कि पक्षी ऐसा कार्य शाम 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक करते हैं। इस कार्य में न केवल स्थानीय पक्षी बल्कि यहाँ के अधिकांश प्रवासी पक्षी भी शामिल होते हैं। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक आत्महत्या की इस दौड़ में स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की लगभग 40 प्रजातियां शामिल है। इसके कारण कई लोगों ने जतिंगा गांव को पृथ्वी पर की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना है। इस क्षेत्र में हो रही सामूहिक आत्महत्याओं का अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल सका है। दोस्तों यहां के निवासी सालों तक यही मानते रहे इस घटना के पीछे बुरी आत्माओं का हाथ है, लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार पक्षी चकित भ्रमित दिखते हैं। यहां जो प्रवासी पक्षी मरे हैं उनमें टाइगर बीटन, लिटिल एग्रेट, ब्लैक बीटन, पॉन्ड हेरन, इंडियन पिट्टा और किंग फिशर शामिल है। दोस्तों कुछ लोग इस गांव को शापित मानते हैं और इसके बारे में कहते हैं इस गांव में बड़ी विनाशकारी घटना होगी। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि इस क्षेत्र में अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है, इसी कारण ये घटनाएं हुई है। हालांकि इसके बारे में कई थ्योरी सामने आई है, लेकिन कोई भी इस घटना के पीछे की सटीक व्याख्या साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों जतिंगा में यह घटना 1910 में शुरू हुई थी, हालांकि बाहरी दुनिया को इसके बारे में 1957 में पता चला। नंबर 9, मत्तूर गांव। दोस्तों मत्तूर गांव कर्नाटक के शिमोगा जिले का एक गांव है। यह गांव तुंग नदी के किनारे बसा है। मत्तूर को भारत का अंतिम संस्कृत भाषी गांव कहा जाता है। यहां के लोग दैनिक संवाद के लिए संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। इसे संस्कृत और वैदिक अध्ययन के केंद्र के रूप में जाना जाता है। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ताम्रपत्र शिलालेखों के अनुसार मत्तूर के पड़ोसी गांव होसा अली के साथ 1512 में विजयनगर के सम्राट द्वारा लोगों को उपहार में दिया गया था। दोस्तों मत्तूर गांव में करीब 5000 परिवार रहते हैं। इस गांव में प्रवेश करते ही आपको एक अलग सा अनुभव होगा। मलयालम मोर मोर गांव वालों की वेशभूषा देखकर ही आपको लगेगा कि चाणक्य के दौर वाले भारत में पहुंच गए हैं। सिर्फ पहनावे को ही नहीं, इस गांव के लोगों ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता और भाषा को भी सहेज कर रखा हुआ है। दोस्तों संस्कृत के अस्तित्व को लेकर अक्सर चिंता जताई जाती है। संस्कृत को लेकर स्कूलों में छात्रों का रुझान न होने की वजह से ये सवाल किए जाते हैं कि इस भाषा का भविष्य में कोई इस्तेमाल करने वाला रहेगा या नहीं। दोस्तों इस गांव में संस्कृत पढ़ाने के लिए हर तरह की व्यवस्था है। पाठशाला में विशेष कक्षाएं होती है और बिना किसी जातिगत भेदभाव के कोई भी बच्चा शिक्षा ले सकता है। दोस्तों इस गांव के निवासियों में से अधिकांश की मुख्य भाषा संस्कृत है और स्कूलों में यह एक आवश्यक विषय है। इस दुर्लभ विशेषता को 1982 में एक महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला था जब उडुपी के पेजावर मठ के पुजारी विश्वेश तीर्थ ने मत्तूर का दौरा किया और इसे संस्कृत गांव का करार दिया। मत्तूर गांव ने संस्कृत के 30 से अधिक प्रोफेसर तैयार किए हैं जो पूरे कर्नाटक के विश्वविद्यालयों में पढ़ाती है। दोस्तों मत्तूर का जुड़वा गांव होसा अली मत्तूर के लगभग सभी गुणों का साझा करता है। होसा अली तुंगा नदी के तट पर स्थित है। इन दोनों गांवों को लगभग हमेशा एक साथ संदर्भित किया जाता है। नंबर 8, कोडिनी गांव, केरल। दोस्तों कोडिनी गांव भारत के केरल राज्य के मलप्पुरम जिले का एक गांव है। यह गांव तिरुरंगड़ी शहर के करीब स्थित है। केरल के मलप्पुरम जिले
जिले में स्थित कोडेनी गांव को दुनिया का ट्विन टाउन कहा जाता है। दोस्तों 2000 परिवार की आबादी वाले कोडेनी गांव में कम से कम 400 जोड़े जुड़वा बच्चे हैं। 2008 में एक आधिकारिक अनुमानों ने गांव में 280 जुड़वा बच्चों की लिस्ट जारी की थी, लेकिन तब से यह संख्या बस बढ़ ही रही है। आपको बता दे, दुनिया में 1000 बच्चे में से 9 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन केरल के इस गांव में 1000 बच्चों में से 45 ट्वेंस बच्चे जन्म लेते हैं। इस रहस्यमय गांव में जब आप जाएंगे तो आपको यहां एक ब्लू बोर्ड भी दिखाई देगा जिस पर लिखा हुआ है, भगवान के जुड़वा गांव में आपका स्वागत है। और दिन ही दोस्तों स्थानीय लोगों के अनुसार गांव में सबसे पुराने ज्ञात जुड़वा जोड़े का जन्म 1949 में हुआ था। इस गांव में जुड़वा बच्चों के जन्म की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। सर्वेक्षण में पता चला है कि 0 से लेकर 10 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर 80 से अधिक जोड़े जुड़वा है। दोस्तों 2008 में कोडिनी के लगभग 30 जुड़वा बच्चों ने अपने माता पिता के साथ मिलकर द ट्विन्स एडल्ट एसोसिएशन का गठन किया, जो भारत में जुड़वा बच्चों का पहला ऐसा संगठन था। इसके संस्थापकों के अनुसार मंच का उद्देश्य कई जन्मने वाले लोगों की विशिष्ट समस्याओं जैसे कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का व्यापक ध्यान में लाना है। नंबर 7, कुलधारा गांव, राजस्थान। दोस्तों एक ऐसा राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधारा गांव में दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया। लोग आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज किया था। दोस्तों कुलधारा गांव मूल रूप से पाली से जैसलमेर विस्थापित ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। पाली मूल के इन लोगों का पालीवाल कहा जाता है। दोस्तों लक्ष्मीचंद द्वारा रचित 1899 की इतिहास की पुस्तक तवारीख जैसलमेर के अनुसार कदान नामक पालीवाल ब्राह्मण कुलधारा गांव में बसने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्होंने गांव में उधानसर नामक एक तालाब खोदा था। देवली शिलालेखों के अनुसार गांव की स्थापना 13वीं सदी के पूर्वाध में हुई थी। इस गांव के खंडरों के बीच विभिन्न स्मारक पत्थर सहित 3 शमशान घाट है। दोस्तों कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधारा गांव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहां रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहां हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाजें आती है, महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियां और पायलों की आवाज हमेशा ही आती रहती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि यहां पानी की समस्या के कारण लोग गांव छोड़कर गए हैं, बल्कि जैसलमेर राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचार के कारण गए थे। दोस्तों किदवंतियों के अनुसार यहां पर काफी संख्या में लोग रहा करते थे, जिसमें एक मुखिया भी हुआ करता था। मुखिया की एक सुंदर पुत्री थी। यह बात कुलधारा गांव से बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंच गई। जब इस बात का पता सलीम सिंह को चला तो वह उस सुंदर कन्या के रूप पर मोहित हो गया। इसी कारण उसने गांव वाले लोगों पर दबाव बनाना शुरू किया। दोस्तों सलीम सिंह चाहता था वह मुखिया की पुत्री से शादी करे, लेकिन गांव वाले कतई नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज का नाम छोटा पड़े। इसी कारण गांव के मुखिया ने एक रात सभा बुलाई और सभी ने फैसला लिया कि हम लोग रातों रात यहां गांव छोड़कर चले जाएंगे, अन्यथा वह गांव की कन्या से शादी कर लेगा। फिर एक रात सभी गांव वाले पूरा गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। लोगों का कहना है कि गांव वाले जाते जाते यहां श्राप भी देकर गए थे, यहां फिर कोई नहीं बस पाएगा, इसलिए वर्तमान में कुलधारा गांव एक शापित गांव कहलाता है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी तुमने आ सकते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को कोई पार करने की हिम्मत नहीं करता है। नंबर 6, शनि सिंगणापुर गांव। दोस्तों शनि सिंगणापुर गांव में एक प्रसिद्ध मंदिर है जो अहमदनगर जिले के शिरडी से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लोकप्रिय मंदिर शनि ग्रह से जुड़े लोकप्रिय हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। यह मंदिर पूरे भारत के स्थानीय लोगों और भक्तों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। शनि सिंगणापुर को विश्व स्तर पर एकमात्र गांव के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किदवंती के मुताबिक स्वयंभू प्रतिमा की कहानी कुछ इस प्रकार है। सिंगणापुर में रहने वाले एक चरवाहे ने एक नुकीली छड़ी से पत्थर को छुआ था तो पत्थर से खून बहने लगा। यह देख चरवाहा आश्चर्यचकित रह गया। जल्द ही पूरा गांव चमत्कार देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उस रात चरवाहे के सपने में भगवान शनीश्वर प्रकट हुए। भगवान ने चरवाहे को बताया कि वह शनीश्वर है और हाँ वह
अनोखा दिखने वाला काला पत्थर उसका स्वयंभू रूप है। चरवाया ने प्रार्थना की और भगवान से पूछा, क्या उन्हें इसके लिए एक मंदिर बनवाना चाहिए? इस पर शनिदेव ने कहा कि छत की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरा आकाश उनकी छत है और वे खुले आकाश के नीचे रहना पसंद करते हैं। उन्होंने चरवाहे को प्रतिदिन पूजा और प्रत्येक शनिवार को तैलाभिषेक करने को कहा। उन्होंने यह भी वादा किया कि पूरे गांव को डकैतों या चोरों का कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए भगवान शनिश्वर को आज भी बिना किसी छत के खुले प्रांगण में देखा जा सकता है। शनिदेव के डर के कारण इस मंदिर 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी भी संरचना, चाहे वह आवास, झोपड़ी, दुकानें आदि हो, उसमें दरवाजे या ताले नहीं है। यहाँ तक कि गांव में राष्ट्रीयकृत यूको बैंक की शाखा है, उसके दरवाजों पर आज तक ताला नहीं लगाया गया है। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव द्वारा सुरक्षित गांव में चोर चोरी नहीं कर सकते, और हाँ, जो कोई भी चोरी करने का प्रयास करता है उसे देवीय दंड मिल जाता है। नंबर 5, स्वाला गांव, उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित स्वाला गांव 67 सालों से भूतों का हड्डा बना हुआ है। सन 1952 में इस गांव के पास से जा रही 8 बटालियन की एक गाड़ी खाई में गिर गई थी। गाड़ी के अंदर फंसे जवान अपने बचाव के लिए गांव के लोगों को पुकारते रहे। गांव के लोग बचाने के बावजूद उनका सामान लूटकर भाग गए। जवानों की तड़प तड़प के गाड़ी में ही मौत हो गई। जवानों की रूह ने इस गांव में ऐसा कोहराम मचाया कि लोग इस गांव को छोड़कर भाग गए। आज भी इस गांव में इनकी आत्माएं घूमती रहती है, इसलिए इस गांव में कोई रहता नहीं है। तब से यह गांव वीरान हो गया है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद स्वाला गांव को यहाँ के लोग भुतिया गांव के नाम से भी जानते है। नंबर 4, मलाना गांव, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, कहा जाता है कि इस गांव में रहने वाले लोग सिकंदर के सैनिकों के वंशज है, और वो एक ऐसी भाषा बोलते है जिसे दुनिया में कहीं और नहीं बोला जाता। इस भाषा को आज तक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं समझ पाया है। अगर आप इस गांव में घूमने की चाहत रखते हैं, तो जाने से पहले यहां की दिलचस्प बातों के बारे में जान ले। अगर आप मलाना गांव जाना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि यहां तक पहुंचना भी कोई मामूली बात नहीं है। आपको इस गांव तक पहुंचने के लिए पहाड़ी पगडंडियों से होते हुए जाना पड़ेगा। पर्वतीय घाटी के तलहटी में स्थित झरी गांव से मलाना गांव तक की सीधी चढ़ाई है। झरी से मलाना तक पहुंचने में करीब 4 घंटे लग जाते हैं। हालांकि इतना कठिन मार्ग होने के बावजूद यहां काफी सैलानी घूमने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि जब सिकंदर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था, तो उसके कुछ सैनिकों ने मलाना गांव में ही पना ली थी। इसके बाद वो लोग यहीं पर बस गए थे। माना जाता है कि यहां रहने वाले लोग उन्हीं सैनिकों के वंशज थे। इतना ही नहीं, सिकंदर के जमाने की कई चीजें भी आपको इस गांव में मिल जाएगी। सिकंदर के जमाने की तलवार आज भी यहां के एक मंदिर में रखी हुई है। नंबर 3, तैमरा घाटी। दोस्तों, झारखंड के रांची जमशेदपुर रोड पर स्थित तैमरा घाटी इन दिनों रहस्यमय घटनाओं को लेकर चर्चा में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां मोबाइल में अचानक से समय और साल बदल जाता है। चेंज हो जाता था टाइम, तो हमको अजीब टाइप का लगता था, इसीलिए हम लाना ही बंद कर दिए उसको। यानी कि साल 2022 की जगह साल 2023 या 2024 दिखने लगता है। दोस्तों, इस घाटी की स्ट्रीट लाइट्स भी हमेशा काफी रहती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं इस जगह पर काल से कोई नाता है। कुछ लोग इसे मौत का हाईवे कहकर बुलाते हैं। दावा किया जाता है कि अगर कोई शख्स यहाँ जाता है, तो अपने आप उसके फोन और घड़ी में वक्त बदल जाता है। यहाँ पर डेट दिखा रहा है 25/1/24 9:06 और अभी हम लोग 2022 में। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इस घाटी में टाइम जोन बदल जाता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। नंबर 2, बेनग्राम, पश्चिम बंगाल। दोस्तों, बेनग्राम नामक यह पूतिया गांव पश्चिम बंगाल के राजधानी नगर कोलकाता से 213 किलोमीटर दूर आसनसोल इलाके में स्थित है। दोस्तों, इस गांव में मां लक्ष्मी का एकलौता मंदिर है, जहां हर साल बड़ी रौनक रहती है। इस बार फिर से यहां पर रौनक दिखने वाली है। इसके बाद रात में यहां लोग एक बार फिर अपने परिवार के साथ इकट्ठा हो गए। मां लक्ष्मी के इस मंदिर में पूरी रात पूजा अर्चना करेंगे। मां को
भोग लगाने के बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद सुबह होते ही गांव खाली हो जाएगा। यहां नजर आएगा तो सिर्फ दूर दूर तक पसरा सन्नाटा और माँ लक्ष्मी का वीरान मंदिर। सिर्फ एक रात के लिए रौनक मेला लगाने वाले ये लोग वो लोग है जो 24 साल पहले गाँव को छोड़ चुके है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इस गाँव पर किसी भूत प्रेत का साया है। हालांकि दूसरा पहलू यह है कि लगभग 24 साल पहले गांव में न पीने के लिए पानी था और न ही रात में जहरीले जीव जंतु आदि से बचने के लिए रोशनी यानी बिजली की व्यवस्था थी। गांव के बगल से गुजरती रेलवे लाइन पर रोज कोई ना कोई लाश पड़ी मिलती थी। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते थे तो कुछ ट्रेन से गिरकर हादसे का शिकार हो जाते थे। लोगों में भय का भूत इस कदर घर कर गया कि फिर एक ही रात में अचानक पूरा गाँव खाली हो गया। नंबर 1, दुर्गापुर झारखंड। दोस्तों झारखंड के बोकारो जिले के दुर्गापुर गांव में 200 सालों से होली नहीं खेली जाती। गांव के लोग इस दिन दशहत में रहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कोई अनजाने में भी आकर इस गांव में होली ना खेले। आज कई साल से होली ना खेल रहा है यहाँ पे? हम जाओ वाली तो होली ना खेली, जब से इला तब से एको बार ना खेला। यहाँ होली खेलने से क्या होता है? लोग मरे लगा मरने लगते हैं लोग नहीं। किदवंती और बुजुर्ग ग्रामीण अपने पूर्वजों से मिली जानकारी के आधार पर बताते हैं कि 1724 में होली के एक दिन पहले रामगढ़ राजा दलेल सिंह के सेनापति पश्चिम बंगाल के जालदा से रानी के लिए साड़ी और जेवर समेत अन्य श्रृंगार सामग्री खरीदकर दुर्गापुर के रास्ते से गुजर रहे थे। उसी दौरान दुर्गापुर के राजा दुर्गा प्रसाद देव की सेना ने शक के आधार पर उन्हें बंदी बना लिया था। इसी बात से क्षुब्ध होकर रामगढ़ राजा ने अपनी सेना के साथ होली के दिन दुर्गापुर में चढ़ाई कर दी। युद्ध के दौरान दुर्गापुर के राजा की मौत हो गई। राजा की मौत की खबर सुनकर दुर्गापुर की रानी ने भी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तभी से गांव वाले राजा रानी के शोक में होली नहीं खेलते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि राजा के मौत के बाद लगभग 100 साल बाद बाहर से आए मल्हार जाति के लोगों ने होली खेली थी तो रात में 4 मल्हार लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई ग्रामीण बीमार पड़ गए थे। तब ग्रामीणों के कहने पर दुर्गा पहाड़ में पूजा अर्चना के बाद बीमार हुए लोग ठीक हुए थे। देश आजाद होने के बाद गांव के कुछ लोगों ने फिर होली खेली तो गांव में महामारी फैल गई, कई लोग बीमार पड़ गए, दर्जनों पशु मर गए। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने दुर्गा पहाड़ पर पूजा अर्चना कर होली नहीं खेलने की शपथ ली। तब से गांव में शांति है। दोस्तों इस वीडियो के जरिए भारत के 10 सबसे रहस्यमय गांव के बारे में बताया है। इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।